फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत वीकली हॉरोस्कोप, कमल नंदलाल का साप्ताहिक राशिफल। ये जो साप्ताहिक राशिफल है, ये है सोमवार 30 सितंबर से लेकर रविवार 6 अक्टूबर तक। और इस साप्ताहिक राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, साथ साथ आपको बताएंगे राशि के अनुसार नवरात्रि से जुड़े हुए कुछ स्पेशल उपाय। इसके साथ साथ आपको चार विशेष पर्वों से संबंधित भी महा उपाय बताएंगे, जानकारी देंगे आपको ग्रह और गोचर की, बताएंगे कौन सा नक्षत्र परिवर्तन, कौन सा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, विशेष पर्वों की जानकारी देंगे और साथ साथ आपको शुभ योगों के बारे में भी बताएंगे पूरे सप्ताह भर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। और ये साप्ताहिक राशिफल है सोमवार 30 सितंबर 2024 से लेकर रविवार 6 अक्टूबर 2024 तक। पहले बात करेंगे ग्रह और गोचर की। इस सप्ताह में सूर्य का सफर कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के पहले चरण से हस्त नक्षत्र के ही तीसरे चरण तक रहेगा। चंद्रमा का सफर सिंह राशि में मघा नक्षत्र से वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र तक रहेगा। मंगल का सफर मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण से पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण तक रहेगा। बुध का सफर अस्त अवस्था में कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के पहले चरण से चित्रा नक्षत्र के पहले चरण तक रहेगा। बृहस्पति का सफर वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण से आगे बढ़ेगा। शुक्र का सफर तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण से विशाखा नक्षत्र के पहले चरण तक रहेगा। और शनि का सफर वक्रीय चाल से कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण से शतभिषा नक्षत्र के पहले चौथे चरण तक रहेगा। और इसका स्पेशल एपिसोड हम एक दिन पहले आपको दे चुके हैं। और आपको ये भी बता दें, खास इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा, वो जीवन बदलने वाला एपिसोड है, क्योंकि शनि बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को दोपहर को 12:10 पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे उल्टा घूमते हुए। दिया तो चलिए अब जान लेते हैं विशेष पर्वों के बारे में। इस सप्ताह सोमवार 30 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध मनाया जाएगा, साथ ही अश्विन शिवरात्रि का पर्व है। मंगलवार 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध है। बुधवार 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या, अश्विन अमावस्या और वल्यकार सूर्य ग्रहण भी है। इसका एपिसोड हम आपको स्पेशल पहले ही दिखा चुके हैं। गुरुवार 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र की शुरुआत है, नवरात्र की घट स्थापना है, अश्विन नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। शुक्रवार 4 अक्टूबर को अश्विन चंद्र दर्शन पर्व है। रविवार 6 अक्टूबर को अश्विन विनायक चतुर्थी है। तो ये सप्ताह पूरा पर्वों से भरा हुआ है। अब आपको बताते हैं शुभ योगों के बारे में। इस सप्ताह रवि योग रहेंगे दो, पहला रहेगा शनिवार 5 अक्टूबर और दूसरा रहेगा रविवार 6 अक्टूबर को। सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेंगे दो, पहला रहेगा बुधवार 2 अक्टूबर को और उसके बाद रहेगा शनिवार 5 अक्टूबर को। अमृत सिद्धि योग इस सप्ताह नहीं है, द्विपुष्कर योग नहीं है, त्रिपुष्कर योग नहीं है, गुरुपुष्य योग नहीं है, रविपुष्य योग नहीं है, गजच्छ छाया योग, पितरों से संबंधित बड़ा विशेष योग बुधवार 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन है। इसका एपिसोड भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं गजच्छ छाया योग का। आपको ये भी बता दें कि विवाह मुहूर्त इस सप्ताह नहीं है, क्रय विक्रय का भी कोई मुहूर्त इस सप्ताह नहीं है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। बताएंगे आपको मेष से लेकर मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल राशि अनुसार, कुछ खास उपायों के साथ में, नवरात्रि के उपायों के साथ में, और खास पर्वों से संबंधित चार आपको महा उपाय भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीस के साथ में। मेष यानी कि एरीस, मेष राशि वाले सप्ताह सफल रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, बेहतर कारोबारी मौके मिलेंगे, तनाव से मुक्त मिल रहेंगे, आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा, प्रेम जीवन रसिक रहेगा। उपाय ये करें कि देवी चामुंडा पर सिंदूर चढ़ाएं। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, सेहत नरम रहेगी, आर्थिक क्षेत्र नरम रहेगा, अपेक्षा से कम लाभ होगा, दाम्पत्य में तनाव रहेगा, प्रेमी से मतभेद की संभावना। उपाय क्या करें कि महालक्ष्मी पर गुलाबी फूल चढ़ाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे, ये सप्ताह मिश्रित रहेगा, रिश्तेदारों की सहायता करेंगे, लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जीवन साथी के कारण कश्मकश में रहेंगे, कारोबारी लाभ बढ़ेगा। उपाय ये करें कि मिट्टी की हांडी में मशरूम भरकर दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। तो दोस्तों, अब समय है आज के पहले महा उपाय का, ये है अश्विन शिवरात्रि का महा उपाय। सोमवार का दिन है, मनोविकार से मुक्ति के लिए दूध में अपनी छाया देखें और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बहुत सिंपल सा उपाय, सारे मनोविकार दूर।
बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। कर्क राशि वालों इस सप्ताह ऊर्जावान रहेगा, उत्साह से भरे रहेंगे, लव लाइफ आनंददायक रहेगी, करियर में प्रदर्शन प्रशंसनीय रहेगा। आंख और कान की परेशानी आपको रह सकती है, उपाय क्या करें कि देवी गौरी पर चंदन चढ़ाएं। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, सप्ताह आशावादी रहेगा, मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, अधिकारी कामकाज से खुश रहेंगे, पदोन्नति के योग हैं, नेत्र विकारों पर थोड़ा सा ध्यान दें, व्यय के भी यानी कि खर्चों के अधिक योग हैं, उपाय क्या करें कि देवी चामुंडा पर लाल गुड़हल का फूल चढ़ाएं। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, सप्ताह शुभ रहेगा, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, करियर में सुधार आएगा, आर्थिक क्षेत्र सुधरेगा, कार्यों में परिजन मदद देंगे, मित्रों से विवाद करने से बचें, उपाय क्या करें कि देवी दुर्गा के मंदिर में हरी कांच की चूड़ियां चढ़ाएं। समय अब पर्व विशेष उपाय का, महा उपाय का, ये सर्व पितृ अमावस्या का महा उपाय है, पितरों का बहुत खास उपाय, और ऐसे में गजच्छ छाया योग इस दिन बन रहा है 2 अक्टूबर के दिन। क्या करें आप, सर्व इच्छाओं की पूर्ति के लिए हंस अवतार का पूजन करें और हंस अवतार पर नवधान चढ़ाएं, चढ़े हुए नवधान पितृ पर चढ़ाकर पक्षियों को डाल दें, सर्व इच्छाओं की निश्चित पूर्ति होगी। बात करेंगे सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की। तुला राशि वाले सप्ताह अच्छा रहेगा, तनाव मुक्त रहेंगे, व्यापार में लाभ होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, कुमारों को प्रेम प्रस्ताव मिलेंगे, उपाय क्या करेंगे महालक्ष्मी पर कमलगट्टे चढ़ाएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा, दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ेगी, परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, मन में चिंता रहेगी, निजी जीवन में चुनौतियां आएंगी, उपाय ये करेंगे देवी बगलामुखी पर शहद चढ़ाएं। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे, सप्ताह अनपेक्षित रहेगा, कार्यक्षेत्र में आलोचना मिलेगी, प्रेम जीवन में बेहतर मौके मिलेंगे, आर्थिक रूप से सतर्क रहें, हर क्षेत्र में सावधानी बरतें, उपाय ये करेंगे देवी दुर्गा पर केसर चढ़ाएं। तो दोस्तों अब समय है महा उपाय का, तीसरा महा उपाय, और यह है शारदीय नवरात्र की घट स्थापना का महा उपाय। तो देखिए दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए क्या करें, पान के पत्ते पर सिंदूर से आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, चामुंडेश्वरी का ये अति विशिष्ट मंत्र, ये मंत्र लिखकर महादुर्गा पर चढ़ा दीजिए, दुर्भाग्य से निश्चित मुक्ति मिलेगी। बात करेंगे दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की, यह सप्ताह सफल रहेगा, निजी जीवन में सुधार आएगा, करियर में नए बदलाव आएंगे, पदोन्नति के योग हैं, सहकर्मी मदद करेंगे, प्रेमी से मतभेद भी समाप्त होंगे, उपाय ये करेंगे काली सरसों सिर से वार कर महाकाली पर चढ़ाएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, सप्ताह भाग्यशाली रहेगा, इच्छित परिणाम मिलेंगे, दोस्त भरपूर मदद देंगे, कारोबारी उलझने मिटेंगी, दाम्पत्य में चल रही परेशानियां हल होंगी, उपाय ये करेंगे कर्पूर से लौंग जलाकर माता छिन्नमस्ता की आरती करें। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, ये सप्ताह आशावादी रहेगा, घरेलू मनमुटाव सुलझेगा, परिजनों की मदद से निजी समस्याएं हल होंगी, रोजगार का क्षेत्र बेहतर रहेगा, कारोबारी लक्ष्य भी पूरे होंगे, उपाय क्या करेंगे देवी बगलामुखी पर पीले फूल चढ़ाएं। तो दोस्तों समय है चौथे और आखिरी महा उपाय का, यह है अश्विन विनायक चतुर्थी का महा उपाय। खास दिन गणपति का अति विशिष्ट दिन, ऐसे में संकट से मुक्ति पाने के लिए संकटनाशन गणपति का पूजन करके क्या करें आप, जायफल अपने सर से वार कर गणपति पर चढ़ा दीजिए और उसी जायफल को कर्पूर से जला करके धूप बनाकर उड़ा दीजिए, सारे संकट स्वाहा। तो दोस्तों आज हमने बात करी साप्ताहिक राशिफल की, और ये जो साप्ताहिक राशिफल रहा ये रहा सोमवार 30 सितंबर 2024 से लेकर रविवार 6 अक्टूबर 2024 तक। हम आपको मासिक राशिफल भी दिखा चुके हैं, उस एपिसोड को ज़रूर देखिए, पूरे महीने भर का लेखा जोखा उसमें आपको समाहित किया गया है। तो इस साप्ताहिक राशिफल में हमने बात करी ग्रह और गोचर की, बताया आपको विशेष पर्वों के बारे में, पूरी जानकारी दी शुभ योगों के बारे में, मेष से लेकर मीन राशि का आपको साप्ताहिक राशिफल भी बताया, साथ साथ आपको राशि अनुसार कुछ नवरात्रि से संबंधित विशेष उपाय भी बताए, 4 विशेष आपको महापर्वों से संबंधित उपाय भी बताए। और आपको ये भी बता दूँ कि इस एपिसोड के साथ साथ हम आपको शनि के नक्षत्र परिवर्तन का विशेष एपिसोड दे चुके हैं, उसे ज़रूर देखिए, वो जीवन को परिवर्तित करने वाला एपिसोड है, उसे ज़रूर देखिएगा, और भविष्यवाणी को हमारी सत्य होते हुए देखिए। आप ये ज़रूर देखिएगा कि जो चंद्र ग्रहण का स्पेशल एपिसोड है, लगभग 2 तारीख का एपिसोड है वो, 2 सितंबर का, उसके अंदर हमने एक एक जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य साबित हुई है। उस एपिसोड को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को प्रोत्साहन दीजिए, आपका एक शेयर किसी व्यक्ति के जीवन को निश्चित रूप से बदल सकता है। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इस ज्ञान को, ज्योतिष के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगे,
आज के लिए बस इतना ही, कल स्पेशल एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।